एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंज फैशवर्ड। मैं हूं अंजलि एंड मैं आशा करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूं मीशो मींस मीशो के हैंड बैग्स है, जिसमें आपको 10 प्लस बैग्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको हर टाइप के बैग्स मिल जाएंगे, लाइक हैंड बैग हो, पोटली, स्लिंग बैग्स एंड क्लचेज। सो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली। एंड गाइस, इसमें आपको हर टाइप के बैग्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, हमारे बजट में है। जो हाईएस्ट प्राइस है वो है 380 रुपीज। मीन्स इसे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस के लिए भी परचेस कर सकते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। सो गाइस, ये सारे बैग्स मैंने सेल में परचेस किया है, तो आप भी परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट बेबी पिंक है। मीन्स आपको वीडियो में कैसा दिख रहा हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बेबी पिंक जैसा है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। इसे आप एज अ हैंड बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इवन किड्स को भी दे सकते हैं, और इसे आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ग्लिटर जैसा है इसका वर्क, बट ग्लिटर बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ऊपर में आपको इस तरीके का बटरफ्लाई मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, लुक इन्हांस भी कर रहा है इसका। इसमें आपको एक सिंगल जिप मिलता है, इसकी प्राइस तो बहुत ही अफोर्डेबल है। लाइक मैंने जब परचेस किया था उस टाइम पे इसकी प्राइस 165 रुपीज़ है, तो प्राइस अकॉर्डिंग ये बहुत ही अफोर्डेबल है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग है, वर्क है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मीशो में मोस्टली फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, बट इसकी फिनिशिंग तो मुझे अच्छी लगी। एंड ये उतना ज़्यादा स्पेसिस नहीं है, मीन प्राइस अकॉर्डिंग तो अफोर्डेबल है। एंड गाइस, ये मेरा हॉल जो है बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड जो भी अभी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, पेज को पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मोटिवेट होती हूँ एंड आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। सो गाइस, इसकी फिनिशिंग भी मुझे अच्छी लगी, इसका जो वर्क है वो भी अच्छा है। दोनों साइड से आपको एक नॉट मिल जाएगा जिससे आप हैवी थिंग्स भी इसमें कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट वन। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो ब्लैक लवर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये वेलवेट का ब्लैक क्लच है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस, जैसा इमेज में था सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, मींस देखने से लग रहा है कि हाँ, किसी अच्छे ब्रांड ने इसे मींस सेंड किया है। सो इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए मैं 10/10 दूंगी रेटिंग। एंड ये बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं सिक्वेंस वर्क है। एंड इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगी मुझे, मींस जितने भी अभी मुझे क्लचेस, पोर्टलीज एंड पर्सेस आए हैं, सभी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मीशो से मुझे फिनिशिंग का बहुत इशू रहता है। सो ये वेलवेट का है, ब्लैक कलर का है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। इसे आप एज अ स्लिंग बैग्स, एज अ क्लचेस दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो 2-in-1 है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आप एज अ स्लिंग बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसे क्लोज करने के लिए जस्ट आपको ये छोटे सा जो ऊपर में दिख रहा है उसको थोड़ा सा पुश करना है, एंड देन यू कैन क्लोज इट। सो ये मुझे प्राइस अकॉर्डिंग अफोर्डेबल लगा। एंड गाइस, ये मेरी हॉल की सबसे कॉस्टली है, मीन्स यही है जो इसकी प्राइस है 380 रुपीज़। सो प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है, सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर वन। तो जो मेरा अनदर वन है वो है एक स्लिंग्स बैग्स। एंड गाइस, मैंने इसे बहुत ही यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले पर्स का हॉल नहीं किया, तो मुझे मैंने इसे शो नहीं किया, तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। ये प्राइस के अकॉर्डिंग एंड ये बहुत ही अच्छा है, बहुत स्पेसियस है। आप देख सकते हैं कि आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको 1 ज़िप मिल जाती है, एंड जिप भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, मीन्स कहीं भी स्टक नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेसियस है, आप इसमें आराम से किसी भी थिंग्स को कैरी कर सकते हैं। एंड गाइस, आपको एक छोटू सा यहाँ पे मिलता है, इसमें आप अमाउंट मीन्स पैसे और इससे आपके आईडी कार्ड्स भी कैरी कर सकते हैं। सो ये दोनों का लुक मुझे अच्छा लगा, एंड ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। एंड इसकी जो स्टिचिंग है वो भी अच्छी है, मीन्स फिनिशिंग इसका भी अच्छा है, तो इसके लिए भी मैं आप सभी को रिकमेंड भी करूँगी। इवन आप इसे एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से आप इसे निकाल के एंड एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग आप इसे जा सकते हैं। एंड गाइस, इसकी भी प्राइस 200 एंड सम चेंज, प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अफोर्डेबल है। सो इफ यू वॉन्ट टू बाई यू कैन बाई। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट वन। सो ये है पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बो बैग। इसमें आपको सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा, बट मुझे ऑफर में मैंने परचेस किया तो जस्ट मुझे 165 रुपीज़ का दोनों मिल गया। सो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ गाइस। अब इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज हो गई है एंड ऑफर भी चल रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख के ले सकते हैं। इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, सो अपने अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। सो गाइस, ये है पिंक वाली में, सेम टू सेम दोनों है, एंड इसमें आपको 1 ज़िप मिल जाएगी और कुछ भी नहीं। स्पेसियस तो है, मीन्स आप 2-3 फोन्स और इससे अपने थोड़े एसेंशियल थिंग्स भी से आप इसमें कैरी कर सकते हैं। एंड इसे आप 2-in-1 यूज़ कर सकते हैं, एज अ हैंड बैग और स्लिंग्स बैग दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। तो मुझे तो प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। बट पिंक वाली की क्वालिटी मुझे उतनी खास नहीं लगी, बट व्हाइट वाली डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 2-3 कलर्स भी मिल जाएंगे, लाइक ब्लैक व्हाइट, पिंक व्हाइट एंड सम ग्रीन व्हाइट भी है। सो अपने अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं।
एंड देख सकते हैं आप गाइस, ये इनसाइड में इसकी स्पेस तो अच्छी खासी है, प्राइस अकॉर्डिंग लुकिंग भी इसकी अच्छी है। आप इसे वाइड लेग जींस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। सो आजकल तो ये ट्रेंड्स में चला हुआ है, तो इफ़ यू वांट यू कैन। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट वन। सो गाइस, नेक्स्ट वन दिखाने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू है, सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ एंड ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ और वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट जरूर करें। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो जो हमारा नेक्स्ट वन है वो भी एक स्लिंग बैग है एंड इसे भी मैंने यूज़ किया है, मीन्स यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी कि हाँ इसे परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है। एंड गाइस, मैं स्टार्ट करने से पहले मीन्स इसके बारे में बताने से पहले बोल दूँ कि इसमें आपको 5-6 कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे एंड ये बियॉन्ड ब्रांड का है, तो मुझे इसकी क्वालिटी एंड इसकी जो लेंथ है और इसका जो बेल्ट का लेंथ है वो भी बहुत ही अच्छा है, स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा है। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसमें अफोर्डेबल से पूरे हैंडबैग्स, पोर्टलीज, हैंडबैग्स देखने के लिए मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ, बेल्ट की लेंथ बहुत अच्छी खासी है, आप इसे एज अ साइड और वन साइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगी 3 जिप, ये फर्स्ट जिप है एंड मिडिल में भी एक जिप है एंड उसके बाद भी एक जिप है, तो अच्छी खासी स्पेस है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसे कैरी कर सकते हैं। इवन आपको एक लास्ट में भी जिप मिल जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल शो यू। ये लास्ट में भी एक जिप है, तो इसमें भी आप किसी भी थिंग्स को कैरी कर सकते हैं। एंड इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 200 सम चेंज की है, उतनी प्राइस ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको छोटा सा बैग भी मिलता है, इसमें आप अपने पैसे और आईडी कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। सो इसकी जो कलर है वो पीच कलर है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड कलर्स मुझे दोनों अच्छे लगे। सो इसके लिए अगर आप चाहते हैं जाना, मीन्स बाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप बाई कर सकते हैं। पूरी का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और इसमें मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं लगा के रखूंगी, सो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो ये है एक पोर्टली, ऐसे तो पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट पैकेज में आया मुझे, तो मुझे तो अच्छा लगा देखने से। सो इसे ओपन करके देखते हैं। जस्ट मैंने ऊपर से देखा कि हाँ मुझे करेक्ट रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छी है, मीन्स प्राइस अकॉर्डिंग भी अच्छी है। प्राइस इसका अप्रॉक्सीमेटली 100 सम चेंज है एंड आपको इसमें एक हैंगिंग मिल जाएगा। इसे आप एम्ब्रॉयडरी वर्क, अगर आपका ड्रेस है तो कैरी कर सकते हैं। एंड गाइस, अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे कैरी कर सकते हैं। अगर दिवाली में भी आप कहीं जा रहे हो तो इसे आप ले सकते हैं। इस पर आपको इस तरीके का मिरर वर्क मिल जाएगा एंड इसकी क्वालिटी एंड जो वर्क का फिनिशिंग है दोनों मुझे अच्छा लगा। इसके आगे भी आपको 2-3 पोटली देखने के लिए मिल जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप पोटली में जस्ट एक ही होता है, मीन्स माउथ इसका, जस्ट इसमें आप किसी भी थिंग्स को कीप कर सकते हैं। तो स्पेस तो अच्छी खासी उतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी ओके है। बट इसकी लुकिंग एंड इसका जो स्टिचिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिनिशिंग भी है, कुछ ऐसा नहीं कि थ्रेड इधर उधर निकला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसे भी आप बाय कर सकते हैं, मैं इसका भी लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और इसे कैन चेक माई कम्युनिटी पोस्ट। इसमें आपको 2-3 कलर्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, सो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने मल्टी कलर लिया है, इसमें आपको व्हाइट एंड रेड समथिंग कलर्स भी है। सो मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पोर्टली, जो मुझे नेक्स्ट रिसीव हुआ है। मैंने इसे 1x1 ऑर्डर किया था, बट पता नहीं क्यों इन लोगों ने एक ही पैकेज में दिया, आई थिंक सिलर जो है वो सेम होगा। सो मैंने सिलर का नेम तो नहीं देखा, जस्ट मैं पोर्टली देखी तो मुझे पोर्टली अच्छी लगी। सो इसे भी मैं कंटिन्यू, इसे भी मैं वापस नहीं करूँगी। सो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लू वाले से। इसका कलर रॉयल ब्लू है एंड इसमें भी आपको 4-5 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका जो वर्क है वो जरी का वर्क है, गोल्डन जरी वर्क है, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। एंड इसमें आपको जो हैंगिंग है वो पर्ल्स के है, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन आपको नीचे में इस टाइप से मोती का मिल जाएगा, तो इसकी भी क्वालिटी एंड लुकिंग अच्छी लग रही है। साइड से जो देते हैं वो लोग पोटली के लिए, वो तो ऑलरेडी है। इसमें छोटे से ऐसे बेल जैसे बने हुए हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एंड इसकी प्राइस 180 अप्रॉक्सीमेटली है, सो प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अच्छा है। आप नीचे में देख सकते हैं इस टाइप की पर्ल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से। एंड ये भी इसका भी स्पेस उतना ही है जितना नॉर्मल पोटली का होता है। आप इसे देख सकते हैं जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा वर्क है, सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई यू कैन। पोर्टली कलर पीच कलर है एंड इसमें सीक्वेंस वर्क का डिज़ाइन है, इसमें भी पॉज लगे हुए हैंगिंग के लिए, सो ये भी अच्छा लुक दे रहा है। एंड गाइस, ये पहले वाले से बड़ा है, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, आपको नीचे में इस टाइप के पॉल्स मिल जाएंगे।
इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अच्छा है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। अगर आप साड़ी पहनते हैं या फिर किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे ले सकते हैं, मीन्स जींस के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर आप वाइड लेग जींस पहन रहे हैं एंड कुर्ती है तो उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं इसे। इवन आपको साइड में इस टाइप से मिल जाएगा लटकन जैसे है, तो ये भी अच्छा लग रहा है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एंड इसमें आपको इस टाइप से स्क्वायर का शेप बना हुआ है, उसमें सीक्वेंस वर्क है, सो प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अफोर्डेबल है एंड इसकी लुकिंग भी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं आपके नीचे में इस टाइप के कॉटन के जो भी है मटेरियल से बना हुआ है, सो उसका फैब्रिक भी अच्छा है एंड इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, तो अगर आप चाहते हैं बाइक करना तो इसे भी बाइक कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट है वो है ऑफ वाइट, ये प्योर वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। इस पर भी आपको जरी का वर्क मिलेगा एंड ये कुछ मल्टी कलर जैसा लुक दे रहा है, तो आप इसे किसी भी कलर के साड़ी और इसे आपका कुछ सूट है, हेवी वर्क का सूट है, तो इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं इसे। इसमें भी आपको हैंगिंग मिल जाएगा पर्ल्स का, आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है एंड इसका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। आपको इसमें बेल्ट डिज़ाइन के साइड से मिलेंगे इसे, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको। इसमें भी आपको नीचे में इसे पॉल्स के मिल जाएंगे, साइड में लगे हुए हैं। इसकी फिनिशिंग अच्छी है, आपको कहीं से भी थ्रेड निकला हुआ नहीं मिलेगा एंड इसकी भी प्राइस में पूरे जो भी पोटली है पूरे 200 अंडर हैं, तो प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अफोर्डेबल है। इसकी जो नीचे की मीन्स अंदर में जो भी कॉटन है मीन्स क्लॉथ है उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ये ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सिर्फ पूरी फेस्टिव वाइब्स दे रहे हैं ये सब पोर्टलीज। तो अगर आप चाहते हैं बाइक करना तो डेफिनेटली आप बाइक कर सकते हैं। इवन आप किसी को भी आप दिवाली गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो जो हमारा नेक्स्ट वन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसकी कलर एंड इसमें आपको दो तीन कलर मिल जाएंगे। सो अभी देख सकते हैं इस टाइप की एक हैंड बैग है, इसे आप जस्ट हैंड बैग जैसा ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी स्लिंग्स बैग जैसा एक्स्ट्रा ये बेल्ट नहीं है, तो इसे आप ऐसा हैंड बैग यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रंट में इस टाइप की बटरफ्लाई का शेप मिल जाएगा, इसमें भी सीक्वेंस जैसा वर्क है बट नॉट सीक्वेंस लाइक ग्लिटर है, बट ग्लिटर जरा से भी बाहर नहीं आ रहा है, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसका जो हैंगिंग करने के लिए बेल्ट है वो बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है एंड जो स्टिचिंग भी है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको जस्ट मिल जाता है 1 ज़िप एंड स्पेस भी अच्छा खासा है। इसकी भी प्राइस 200 सम चेंज है, सो प्राइस अकॉर्डिंग ये भी अफोर्डेबल है एंड इसकी कलर मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक पर्पल कलर जैसा है। इसमें आपको 4-5 कलर्स मिल जाएंगे, सो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सो इसके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही क्यूट है एंड लुकिंग भी इसकी अच्छी लग रही है, इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग को होप मेरे जो भी कलेक्शन है अच्छे लगे होंगे, सो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड गाइस जो भी मैं रिव्यू कर रही हूँ जेन्युइन रिव्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेड प्रमोशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, जो करेक्ट है मैं वही बोल रही हूँ। सो इस बार तो मुझे बैग्स अच्छे लगे एंड मीशो से दो ही चीज़ें मुझे अच्छे लगते हैं, एक बैग्स एंड दूसरा ज्वेलरी, उसके अलावा तो ड्रेसेस पे मुझे ट्रस्ट नहीं होता है, बट समटाइम ड्रेसेस भी अच्छे आ जाते हैं। सो गाइस जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट हॉल, जय श्री राम, बाय बाय, विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली।